बताने जा रहे हैं आलू से एक ऐसा यूनिक नाश्ता जो आपने कभी खाया भी नहीं होगा, बनाया भी नहीं होगा, और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो उसके लिए मैंने लिया है एक आलू और इसको मैंने छील के पानी में डाल दिया था, क्योंकि वैसे रखते ना तो आलू काला पड़ जाता है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम कद्दू का जो रहता है उसकी ये वाली जो साइड रहती है ना, जिससे हम कुछ भी चिप्स वगैरह बनाते हैं, उस साइड से हम ये वाला आलू लेके और इसे इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे ऐसे इसके पतले पतले चिप्स में अभी दिखाते हैं आपको। ये इस तरह के चिप्स से बना लेते हैं। अब हम एक कोई भी प्लेट ले लेते हैं, उस पर ये इस तरह से रख दूंगी मैं फैला के। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, इस तरह से डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा डस्ट करना है इस तरह से। अब हम इस तरह की ये टूथपिक रहती है ना, इस तरह की ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक उठाएंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे। और यहाँ से इस तरह से इसको लगाते हुए चले जाएंगे। एक में कम से कम दो लगाएंगे, इसी तरह से एक और मोड़ करती हूँ। ये इस तरह से बना के हम तैयार कर लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई में गरम ऑयल भूना रख दिया था, अब हम इसमें इस तरह से ये रख देंगे। इसके लिए ना तेल जो है थोड़ा तेज गरम होना चाहिए। इसी तरह से मैं ये सब रख देती हूँ, जितने आराम से आ पाए। और अभी हम इसे थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देते हैं, फिर हम इसको पलटेंगे। अब हमारे 1 से 2 मिनट हो गए, अब इनको हम एक स्पून की मदद से पलट देते हैं धीरे से। इस तरह से सब पलट दूंगी। अब इधर से भी हमें थोड़ा सा पकाना है इनको। अब ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से हमारे ये नाश्ता पक के तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे निकाल देते हैं। अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब हमारा झटपट बनने वाला स्नैक्स तैयार है। एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।